नमो धन्वंतरी। विजन आयुर्वेद अकादमी नागपुर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मैं वैद्य गौरी शंकर डोमाजी उरकुड़े आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज हम चरक विमान स्थान की शुरुआत करेंगे। उससे पूर्व कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहली चीज, वीडियो के दौरान स्क्रीन पर आपको नोट्स दिखेंगे। नोट्स में नॉर्मल फॉन्ट चरक के लिए, बोल्ड फॉन्ट सुश्रुत के लिए और इटैलिक फॉन्ट बागभट्ट के लिए। इनके अलावा वीडियो के दौरान जब कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करके रखना है जो आपके मेंटर ने अदर देन नोट्स बताया हुआ है, उसके लिए आपको एक रजिस्टर अलग से कैरी करना है। इस रजिस्टर में आपको यदि चरक का मुद्दा लिखना है तो वहां पर ब्लू पेन, सुश्रुत का लिखना है तो वहां पर रेड पेन, बागभट्ट का लिखना है तो वहां पर ब्लैक पेन, और इनके अलावा अन्य किसी आचार्य का यदि मुद्दा आता है तो वहां पर आपको नोट करने के लिए यूज करना है ग्रीन। दोस्तों, चरक संहिता में कुल 8 स्थान है, उनमें से विमान स्थान यह तीसरे क्रमांक का स्थान है। तो आइए आज शुरू करें रस विमान अध्याय फ्रॉम चरक विमान स्थान। तो विमान स्थान की शुरुआत करने से पहले हमको ये पता होना कि विमान शब्द का मीनिंग क्या है। विमान शब्द का मीनिंग है विशेषेण मियते ज्ञायते इति विमानम, है ना। तो महत्वपूर्ण विशेषेण, विशेष ऐसे विषयों का वर्णन जिस स्थान में है उसको हम विमान स्थान कहते हैं। तो उसके अंतर्गत हम पहला अध्याय लेने जा रहे हैं, रस विमान अध्याय। तो रस विमान अध्याय में पहला ही श्लोक आपका बताया हुआ है कि प्रयोजन क्या है विमान स्थान का। तो विमान स्थान का प्रयोजन यह है कि दोषादि मानद ज्ञानार्थम। अब हमको पता है कि दोष अल्प मात्रा में बढ़ सकते हैं, मध्य मात्रा में बढ़ सकते हैं या फिर बहु मात्रा में बढ़ सकते हैं। जब बहु मात्रा होती है तो आपको शोधन करना पड़ता है। तो जब आपको डिसीजन लेना है कि आपको दीपन कर, आपको सिर्फ लंघन करना है, लंघन पाचन करना है जो मध्यावस्था में की जाती है, या फिर आपको दोषावसेचन यानी कि शोधन करना है, अगर ये डिसाइड करना है तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि दोषों का मान क्या है, अल्प मात्रा में दोष प्रकोपित है, मध्य मात्रा में है या बहु मात्रा में। इसलिए ये प्रयोजन है। तो फिर से एक बार हम श्लोक लर्न करेंगे, दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थान। तो विमान स्थान का प्रयोजन क्या है, दोषादियों का मान जानने के लिए। अब दोषादि में बहुत सारी चीजें आते हैं, देशम दुष्यम बलम कालम, ये सब चीजें वहां पर आते हैं। तो उनका मान आपको जानने के लिए ये विमान स्थान का प्रयोजन है। बाद में रस विमान अध्याय का अधिकरण क्या है, यहाँ पर कौन सा विषय वर्णन है। तो यहाँ पर रस का प्रभाव वर्णन है, द्रव्यों का प्रभाव वर्णन है, दोष का प्रभाव वर्णन है और विकार का प्रभाव वर्णन है। अब आपको ये क्रम से ध्यान में आ जाएगा विशेष तौर पर कि जब आप विशिष्ट रस के द्रव्य सेवन करोगे तो उससे विशिष्ट दोष प्रकोपित होंगे और दोषों से विकार उत्पन्न होंगे। मतलब ये इंटर रिलेटेड है और इनका प्रभाव का वर्णन यहाँ पर है। अब जब विकार हो जाएंगे तो विकार होने में कौन से कारणीभूत पदार्थ हो सकते हैं, उसमें से कुछ अति सेवन वर्ज्य जिसका करना चाहिए, ऐसे पदार्थों का वर्णन ये चैप्टर में मिलता है, जिसमें है पिप्पली, क्षार और लवण। तो आचार्य चरक ने ये प्रातिनिधिक स्वरूप से कुछ द्रव्य बताए हैं, पिप्पली, क्षार और लवण, इनके तरह के पदार्थों का आपको अतिसेवन वर्ज्य करना है। तो हमको क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक अनुसार कौन से तीन पदार्थों का अतिसेवन वर्ज्य है, तो पिप्पली, क्षार और लवण। उसके बाद साथ में तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रवर, मध्य अवर और सप्तविध हो सकते हैं, वो रसों के आधार पर बनते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाद में रस, रस के विकल्प और दोष के विकल्प, राइट। तो रसक के विकल्प मतलब रस के आप संयोग करोगे, दो दो रस मिक्स करोगे, तीन तीन रस मिक्स करोगे, तो ऐसे उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, तो अपरिसंख्य बनेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम दोष का, दोष के भी विकल्प कितने, अपरिसंख्य। बाद में आहार आयतन, अब जब आहार आप सेवन करते हो, भोजन जब करते हो, राइट, तो उस वक्त में आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप आहार सेवन करते हो तब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कितने विशेषायत्नों का विचार करना है वहां पर, राइट। तो 8 विशेषायत्नों का विचार करना है, जैसे कि प्रकृति, करण, ऐसे दिए हुए, देश, काल, ये दिए हुए, तो इनका विचार करके आपको भोजन विधि फिक्स करना पड़ेगा। अब फिर भोजन विधि कितने होते हैं, उसको कहा है आहार विधि या फिर भोजन सद्गुण्य, है ना। आपने पढ़ा होगा उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, जीर्ण अश्नियात, इष्टोपदेश, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था ये टॉपिक, राइट। तो आहार विधि कितने हैं, 12 है, ये नोट कर लो यहाँ पर, राइट। तो आहार विधि 12 है, इसी को भोजन विधि कहा जाता है या फिर भोजन सद्गुण्य कहा जाता है, इसका डिस्कशन हम आगे लेने वाले। और समवाय, देखो लक्षण जो निर्माण हो सकते हैं या फिर द्रव्य जो हो सकते हैं,
वो प्रकृति सम समवाय के हो सकते या फिर विकृति विषम समवाय के, बस इतना आप यहाँ पर ध्यान रखो। नेक्स्ट, तो ये रस विमान अध्याय का अधिकरण और विषय वर्णन था। अब इसमें से हम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, पहले श्लोक से लेंगे। तो पहले ही है परिभाषा वर्णन है कि देखो परिभाषा क्या है, तो अतो वक्षमानम दोष वेशादि विशेष ज्ञापकम विमानस्थामन। अभी जैसे जो मैंने आपको वर्णन करा था कि विशेष ज्ञान के लिए आपको विमान स्थान का वर्णन किया है ना, विशेष विषयों के वर्णन के लिए, विशेष दोष से संबंधित, भेषज मतलब चिकित्सा, इनसे संबंधित विशेष विषयों का वर्णन विमान स्थान में है, इसलिए उसको क्या कहा गया है विशेषज्ञापकम विमान स्थानम। यह होगी आपकी परिभाषा विमान स्थान की, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट नोट करिए, जहां पर आवश्यक है वहां पर हम ये आपको बताएंगे कि मस्ट टू नो पॉइंट है, जहां पर बेटर टू नो है वो बेटर टू नो हम बताएंगे, और जहां पर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है वो भी हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आप पास में आपके रजिस्टर रख सकते हो, जहां पर आवश्यक रहेगा आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चिकित्सा निर्भरत्व। अब दोषादि मान पर ही आपकी चिकित्सा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कफ कितना बड़ा हुआ है, बहु बड़ा हुआ है, अल्प मात्रा में बड़ा हुआ है या मध्यम मात्रा में बड़ा हुआ है, उसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे शोधन करना है, लंघन पाचन करना है या लंघन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद विमान का प्रयोजन दोषादि मानद ज्ञानार्थम, ये विषय वर्णन है। अब षड्रस का प्रभाव वर्णन हम पढ़ेंगे, ये सभी को लगभग पता होता है। ठीक है, अगर षड्रस होते मधुर अम्ला लवण कटु तिक्त कषाय, उनका सम्यक प्रयोग हम करते हैं तो उससे क्या होता है देख लीजिए। ये विशिष्ट शब्द है यापन। अब इसके समान कुछ शब्द आते हैं, आपको पता होगे, प्रीनन, जीवन, लेपन है कि नहीं, वर्धन, ये शब्द आते हैं तो आपको ऑप्शन में आ सकता है, वहां पर आपको आंसर यापन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि षड्रस सम्यक मात्रा में शरीर का यापन ही करते हैं। राइट, यापन आपको ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, जीवन, प्रीनन, वर्धन और यापन, तो आंसर क्या सिलेक्ट करना है, यापन। नेक्स्ट, मिथ्या प्रयोग से क्या होगा, तो दोष प्रकोप होगा। मिथ्या प्रकोप से क्या होगा, दोष प्रकोप होगा, तो षड्रस के सम्यक प्रयोग से शरीर यापन, मिथ्या प्रयोग से दोष प्रकोप। बाद में त्रिदोष वर्णन है ना, देखो हमने पढ़ा था कि प्रभाव कौन से वर्णन है, पहले क्या नाम है अपना, रस का, बाद में द्रव्यों का, उसके बाद दोष का, तो दोष का वर्णन हम देखेंगे। अगर दोष वात पित्त कफ प्रकृतिभूत रहेंगे, मतलब नॉर्मल रहेंगे तो शरीर पर उपकार करेंगे, और विकृतिभूत रहेंगे तो नानाविध विकार यानी कि उपताप, उपताप यानी दुख या फिर व्याधि ये उत्पन्न करेंगे। राइट, हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर देने लायक टॉपिक नहीं है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में दोष शामक रस, ये लगभग सभी को याद रहता है तो हम यहाँ पर बहुत एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम पढ़ लेंगे फटाफट। मधुर अम्ला लवण कौन से दोषों का प्रकोप करता है, कफ का, और किसका शमन करता है, वात का। कटु तिक्त कषाय किसका वर्धन करता है, वात का, और शमन किसका करता है, तो कफ का। मधुर तिक्त कषाय पित्त शामक है, और कटु अम्ल लवण यह पित्त वर्धक है, यह हमको लगभग सभी को याद होता है फर्स्ट ईयर से। राइट, नेक्स्ट, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसके बाद रसभेद। रसभेद कितने, अपरिसंख्यीय, संसर्ग भेद या फिर विकल्प। अब संसर्ग किसको कहते हैं, तो दो दो रस जब साथ में करोगे उसको आप क्या करोगे, संसर्ग। और सन्निपात किसको कहोगे, दो से ज्यादा यानी कि तीन रसों को आप एकत्रित करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, सन्निपात है, साथ है। और तीसरा है विकल्प। ठीक है, तो संसर्ग और विकल्प भेद से रसभेद कितने हैं, संसर्ग और विकल्प के आधार पर रसभेद कितने बताए हैं, तो अपरिसंख्यीय बताए हैं। ठीक है, अब द्रव्य भेद देखिए, हमारा था वर्णन में हमने पढ़ा था कि रस का प्रभाव, द्रव्यों का प्रभाव, दोषों का प्रभाव और विकारों का प्रभाव, इसका वर्णन ये अध्याय में है। तो उसके अंतर्गत अभी हमने रस का पढ़ा, त्रिदोष का पढ़ा, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य का प्रभाव। तो द्रव्य के प्रभाव में तीन द्रव्यों का वर्णन दिया है, ये प्रातिनिधिक ही द्रव्य है। पहला है तेल, सभी को पता है तेल वात का शमन करता है, घृत पित्त का शमन करता है, और मधु कफ का शमन करता है। ठीक है, तो ये कौन से गुणों से करता है ये हमको रटना पड़ेगा। राइट, तो तेल स्निग्ध उष्ण गुरु, इसका कोड हमने तैयार कर लिया, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ऊ, उसके बाद ग, उगी, उसके बाद ये सी, और उसके बाद ते, उगी सीते है ना, उगी सीते, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं एक बार आपको क्या है, ऊ गी, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, गी, गी से, ग से क्या हो जाएगा, गुरु, उसके बाद है सी,
है ना, सी उसके बाद है ते, उगी सी ते, क्या है, ते से तैल, स से स्निग्ध और उ से उष्ण और ग से गुरु, ये हो गया आपका कोड। नोट डाउन कर लो यहां पर, राइट। अब घृत, घृत का कोड कर लेना, घूम श्याम, श्याम क्या, घूम श्याम, तो घृत मंद शीत और मधुर से क्या करेगा, पित्त का शमन करेगा, ठीक है। तो घृत कौन से रस से पित्त का शमन करता है, मधुर रस से, बराबर है। बाद में मधु, मधु रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, तो इसका कोड कर लेना म, हमने इनिशियल्स उठाए, देखिए म उठाया है, उसके बाद हमने उठाया है यहां से रू, मरु, क का की कर दिया और ती, मरु की ती, मरु की ती, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है रुक्ष तीक्ष्ण और कषाय, यहां से कफ, तो कफ का शमन कौन से रस से होता है, मधु कफ का शमन कौन से रस से करता है, तो कषाय से, ये आपको समझ, आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये द्रव्य भेद हो गए, तो तैल वात का स्निग्ध उष्ण गुरु से, घृत मंद शीत मधुर से, और मधु रुक्ष तीक्ष्ण कषाय गुण से ये करेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। अब हम देखेंगे न अति सेवनीय द्रव्य, देखिए क्रम से ही हमारा ये चालू है, एक ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक मेरा पढ़ाने के बाद आपको अगर कहीं पर टॉपिक समझ में थोड़ी ये जा रही है, तो आपको संहिता में से मीनिंग देखना पड़ेगा कहीं कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली श्लोक के मीनिंग अगर हमको अचानक से याद नहीं रहते ना, तो ऐसे वक्त में हम संहिता देख सकते हैं, अदरवाइज पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर कवर किया हुआ है। अब अति सेवन वर्ज्य द्रव्य कौन है, पिप्पली, क्षार और लवण। तो पिप्पली, पिप्पली कटु रसात्मक होती है, सबको पता होता है, मधुर विपाकी होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। और गुरु होती है पिप्पली, पिप्पली कैसी होती है, गुरु होती है। बाद में ना अत्यर्थ स्निग्धोष्ण, बाद में कर्म प्रक्लेदी, आपाद भद्रा और सद्य शुभाशुभ कारिणी, और बाद में क्या होता है, योगवाही, देखिए है ना, ये चारों शब्द पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने पढ़ा था कि पिप्पली ना अत्यर्थ स्निग्ध, ज्यादा स्निग्ध भी नहीं है और ज्यादा उष्ण भी नहीं है, राइट। तो अल्प स्निग्ध उष्ण होने से वो वात वृद्धि करेगी, उष्ण से पित्त वृद्धि और गुरु प्रक्लेदी से क्या करेगी, कफ वृद्धि, यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं पर आने के चांसेस है, तो मधुर विपाकी पर, गुरु लघु पर, कि गुरु गुरु होती है पिप्पली, ना अत्यर्थ स्निग्धोष्ण, और ये चारों शब्द प्रक्लेदी, आपाद भद्रा, सद्य शुभ अशुभ कारिणी। अब आपको याद करने की एक टेक्निक मैं बता सकता हूँ, वो टेक्निक मैं बताता हूँ, देखिए पिप्पली जो है ना, पिप्पली ये लड़की का नाम ध्यान में रखो, स्त्री का। अब देखो स्त्री कैसे होती है, तीखा तीखा बोलती है, कैसे बोलती है, तीखा तीखा बोलती है, राइट। बाद में कभी कभी मधुर मधुर बोलती है, तो मधुर विपाकी। अब मैक्सिमम स्त्रियां शादी के बाद क्या हो जाती है, हंसना मत, क्या हो जाती है, तो गुरु हो जाती है, तो देखो स्त्री से जुड़ रहा है। अब उसके बाद पढ़ेंगे ना अत्यर्थ स्निग्धोष्ण, ना स्निग्ध मतलब प्रेम स्नेह, ऐसा ध्यान में रखेंगे, और कभी कभी उष्ण मतलब चिढ़ जाती है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ना अति उष्ण और ना अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं करती और बहुत ज्यादा चिढ़ती भी नहीं है, ऐसी स्त्रियां होती है, ये ध्यान में रख सकते हैं। बाद में देखो प्रकृति से प्रेम करने वाली, आपाद भद्रा मतलब अमंगल काल में आपको मदद करने वाली, मतलब हेल्प करने वाली, आपाद आपाद काल में हेल्प करने, सद्य शुभ और अशुभ कारिणी, बराबर है, अगर खुश रही तो शुभ करेंगी तुम्हारा सब, नहीं तो सब कार्यक्रम बिगाड़ देंगी, तो सद्य शुभ अशुभ कारिणी, ऐसी स्त्री होती है। तो पिप्पली को याद करते वक्त एक स्त्री से जोड़कर देख लो, और योगवाई आपकी हर सुख दुख में वो साथ में रहेगी, इसलिए योगवाई ये स्त्री का एक गुण है, इसके कारण हम आगे चल पाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार, पहले पिप्पली पूरा पढ़ लेना, बाद में क्षार पढ़ेंगे। क्षार होता है उष्ण तीक्ष्ण लघु, देखो पिप्पली गुरु, क्षार लघु। उसके बाद अब ये देखो नेक्स्ट, अब ये पढ़ने के लिए हम क्षार को, जैसे पिप्पली को स्त्री से जोड़ दिया ना, तो क्षार को पुरुष से जोड़ लो, किससे, मेल से, राइट, मेल से जोड़ लो। अब देखेंगे हम, अब देखो पुरुष पहले कैसे है, रहते हैं शादी की शुरुआत में बहुत प्यार करते हैं, एक ले दी याद हो, बाद में पश्चात विशोष यति, हंसना मत, मन के मन में हंसना, ठीक है। बाद में क्षार उष्ण होता है ना, पचन दहन चीरते हैं कभी कभी भेदन, तो वैसे पचन दहन भेदन पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, जो मैंने हाईलाइट किया है वहां पर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो अब देखो प्रक्लेदी पिप्पली, क्लेद यति यादव और पश्चात विशोष यति क्षार, टैली करके पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो पुरुष स्टार्टिंग में प्यार करते हैं, बाद में कम हो जाता है उनका प्यार। अब इमेजिन करो कि ये जो पुरुष है ना, ये पुरुष को देखने को लड़कियां गई, तो कोई भी लड़की जब लड़का देखने को जाती है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्होंने? तो सबसे पहले देखो इसके केश कैसे है, अक्षी कैसे है, हृदय कैसे है ना, तो ये इस पर ध्यान देना, आगे ध्यान मत देना ज्यादा, ठीक है? हाँ, तो केश कैसे है, अक्षी कैसे है और हृदय कैसा है, ये आपको देखना पड़ेगा, बराबर है? क्षार क्या होता है? पुंसो उपघातकर, हंसो मत, राइट? क्षार कैसा होता है? पुंस्व उपघातकर होता है, मतलब शांड कर करेगा। अब देखो एक एक, केश से रिलेटेड कौन सा व्याधि होगा? खालित्य पालित्य। अक्षी से रिलेटेड कौन सा व्याधि क्षार के अति सेवन से? आंध्य। हृदय से रिलेटेड कौन सा होगा? तो हृदयापकर्तन। फिर से एक बार देखेंगे हम, ठीक है? क्षार, क्षार को किससे जोड़ा? पुरुष से। तो पुरुष स्टार्टिंग में कैसे होते हैं? उष्ण तीक्ष्ण लघु लघु हल्के होते हैं, स्त्रिया गुरु होती है, राइट? क्लेदयति यादव पश्चात विशोषयति। बाद में जब आप कोई लड़का देखने जाओगे, मतलब पुरुष देखने, तो पुरुष में के कौन से गुण देखने हैं? केश, अक्ष, हृदय, पुंसोपघातकर। बाद में सतत प्रयोग से क्षार के क्या होता है? केश से रिलेटेड खालित्य पालित्य, हृदय से रिलेटेड हृदयापकर्तन, अक्षी से रिलेटेड आंध्य, बराबर है, और पुंस्व से रिलेटेड शांड्य, राइट? अब ये ध्यान में रखना है, अब आपको लड़का देखने जाना है तो कौन से देश का देखोगे? अरे चीन का मत देखना भाई, वो आपको पता है अभी कोविड चालू है ना, तो चीन का नहीं चलेगा हमको। फिर भी ध्यान में रखो, हमको याद रखने के लिए क्षार क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर? प्राची देश या फिर चीन, है ना? प्राची देश या फिर चीन में का क्षार, क्षार मतलब पुरुष, तो पुरुष कौन से देश का देखोगे आप? प्राची देश या फिर चीन, या फिर ऐसा भी याद कर सकते हो आप, प्राची जो है उसके लिए लड़का क्षार, है ना, चीन देश का देखना। अब मतलब यहाँ पर वर्णन है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि पूर्व दिशा के जो देश है वहां के लोगों ने क्षार का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम फिर से आएंगे लवण में, वेरी इंपॉर्टेंट, लवण इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब क्या करो, पिप्पली को फीमेल से जोड़ा, क्षार को मेल से जोड़ा, लेकिन लवण को कहीं से मत जोड़ो, प्लेन इसको रट लो, ठीक है? तो लवण कैसे होगा? उष्ण तीक्ष्ण अणति गुरु। अब देखो पिप्पली गुरु, क्षार लघु, लवण बीच का अणति गुरु, ठीक है? और अणति स्निग्ध, ये याद करना पड़ेगा, अनति गुरु अनति स्निग्ध, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, लवन अनति गुरु अनति स्निग्ध, रट लो। नेक्स्ट, उसके बाद उपक्लेदी आपाद भद्र, राइट है, बराबर है? आपाद भद्र कौन थी? पिप्पली। प्रक्लेदी कौन थी? पिप्पली। क्लेदयति यादव पश्चात विशोषयति कौन है? क्षार, राइट? अब देखो उपक्लेदी और आपाद भद्र, उप मतलब बीच का समझ लो ये, तो लवन, राइट? उसके बाद पाचन विंस्रंसन वगैरह जाने दो, इंपॉर्टेंट है अन्न द्रव्य रुचिकर, ये सभी को पता है। आज क्या करो, सब्जी में नमक ही मत डालो, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि लवण अन्न द्रव्य रुचिकर होता है। अब अगर आप अति मात्रा में खा लोगे तो दौर्बल्य कल ग्लानि शैथिल्य उत्पन्न करेगा, दौर्बल्य करेगा, अपरिक्लेश ज्यादा क्लेश सहन नहीं कर पाएगा। सतत प्रयोग से क्या होता है? फिर ग्लानि शिथिल मांस होता है, मांस शिथिल हो जाते हैं उससे, लवण के अति सेवन से, ठीक है? इंद्रलुप्त बलि, इंद्रलुप्त बलि जो है ये आपको अदर इस रेफरेंस से लिया हुआ है मैंने, आपको चरक संहिता के विमान स्थान में ये शब्द नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लवण के जो गुण दिए हैं लवण रस के, उसमें से लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो देखो लवण के अति सेवन से क्या होता है टिपिकल व्याधि? इंद्रलुप्त और बलि। अब याद कैसे रखोगे? देखो ल है ना, ल से ध्यान में रख लेना लुप्त, और व है ना, व से ध्यान में रख लेना यहाँ पर बलि, ठीक है? और खालित्य पालित्य कॉमन है, खालित्य पालित्य क्षार से भी होते हैं और लवण से भी होते हैं, खालित्य पालित्य क्षार से भी होते हैं और लवण से भी होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रट लो इसको, ठीक है? मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखो है ना, ये दोनों तरफ है खालित्य पालित्य, राइट? नेक्स्ट, अब कौन से देशों के लोगों ने लवण का अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए? तो बाल्दिक, सौराष्ट्र, सेंदोस और विरक, आज का जो गुजरात का रीजन है ना गुजरात, राजस्थान का वो पार्ट का जो रीजन है, वो लोगों ने बाल्दिक, सौराष्ट्र, सेंदोस और विरक, नाम याद करने पड़ेंगे, इन लोगों ने लवण का अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन होगी कि ये लोग दूध के साथ लवण खाते हैं, राजस्थान के लोग, गुजरात, मतलब उधर साइड के लोग, है कि नहीं? मिडल उत्तर, मिडल नॉर्थ, उधर के लोग, ठीक है?
तो वो लोग, उनको आदत होती है, उनको साथ में हो चुका है, फिर भी इसके कारण से क्या होने वाला है, ये ऊपर के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं, ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य अपरिक्लेश, ये होने वाले हैं। तो ये याद रखना है हमको, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये टेबल हम फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है, फास्ट में देखेंगे अभी। तो हमको याद रखना है कि मधुरिपा की कौन होती है, पिप्पली, कटु रस किसका होता है, पिप्पली, तो स्त्री कैसे कभी मधुर। हाँ, बाद में गुरु पिप्पली, लघु क्षार, अनति गुरु लवण, ठीक है, बाद में नात्यर्थ स्निग्ध न पिप्पली, लेकिन अनति गुरु अनति स्निग्ध कौन, लवण। उसके बाद प्रक्लेदी कौन, पिप्पली, क्लेदयति यादव पश्चात विश्वशयति क्षार, उपक्लेदी कौन, लवण, आपाद भद्रा कौन, पिप्पली, लेकिन आपाद भद्र कौन, लवण, राइट। उसके बाद खालित्य पालित्य कहाँ कहाँ पर होने वाला है, खालित्य पालित्य शांड्य आंध्य किसमें होने वाला है, ये ध्यान में रखना, क्षार, लेकिन केवल खालित्य पालित्य पूछा तो क्षार और लवण दोनों, इंद्रलुप्त और वली स्पेसिफिकली किसमें होगा, लवण के अति सेवन से, राइट। फिर प्राची और चीन के दोषों लोगों ने कौन सा सेवन वर्जित करना चाहिए, क्षार, और उसके बाद लवण का सेवन किसने वर्जित करना चाहिए, तो बाल्लिक सौराष्ट्र सिंध और संविदक देशों के लोगों ने, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इसके बाद ये आज का हम लास्ट टॉपिक लेंगे सातम्य, उसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो सातम्य, सातम्य तो ये देखो, सातम्य की व्याख्या, सातम्य नाम यद आत्म उपशेते, उपशेते का मीनिंग होता है पास में, तो आत्मा के जो पास होता है उसको कहते हैं सातम्य, सिंपल लैंग्वेज है ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जो आत्मा के पास होता है उसको आप कहोगे सातम्य। सातम्य ही उपशय अर्थ, जो खाने से उपशय मिलता है, एग्जाम्पल, ठीक है, घुटने दर्द दे रहे हैं आमवत के कारण, फिर आप क्या करते हो उसमें पोटली स्वेद करते हो, तो इससे आपको क्या हो गया, उपशय हो गया, तो ये आपके लिए अभी क्या हो गया, सातम्य, अभी के लिए क्या हो गया, सातम्य हो गया, राइट। उसके बाद त्रिविदस, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रवर, मध्य और अवर, रटना है हमको। बाद में सप्तविद, सप्तविद कैसे बने, देखो, अगर किसी पर्सन को एक रस का सातम्य है, किसी को दो रस का है, किसी को तीन रस का, ऐसा हो सकता है, राइट। तो एक एक रस के हो गए छह, बाद में और सर्व रसों का हो गया एक, तो टोटल कितने हो गए, सात, गिन लिया आपने सात, एक एक रस का एक, किसी को मधुर होगा, किसी को अम्ल होगा, किसी को लवण होगा, ऐसे छह लोग हो गए, तो छह प्रकार के सातम्य, और ये सर्व रसों का एक साथ हो गया सात, राइट। अब इसमें से देख लो, इसका डिविजन आप ये सात का तीन में कैसे कर सकते हो, अगर किसी को सर्व रस सातम्य है तो आप बोलोगे प्रवर सातम्य, अगर किसी को मध्य रस सातम्य है तो आप बोलोगे मध्यम सातम्य, है ना, मध्य मतलब दो या तीन, लेकिन किसी को केवल एक ही रस सातम्य है, सर इसको सिर्फ मधुर ही चलता है, बाकी कुछ भी दो जमता ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको, ये एक रस सातम्य, यानी कि अवर सातम्य है। तो कितने प्रकार के सातम्य होते हैं, तीन प्रकार के सातम्य होते हैं, कितने प्रकार के सातम्य होते हैं, तीन प्रकार के, प्रवर सातम्य, मध्य सातम्य और अवर सातम्य। तो सर्व रस सातम्य प्रवर, मध्य मध्यम और एक रस सातम्य अवर। अब इसके सिवाय चरक सूत्रस्थान छठवा अध्याय तस्य शीतिय जो है, जिसमें ऋतुचर्या का वर्णन है, वहां पर आप देखोगे तो ऋतु, ओक, देश और व्याधि सातम्य, ऐसे साथ में दिए। अब ये याद क्यों करना है, क्योंकि ये क्रम से दिए हुए, देखो उत्तर उत्तर बलवान बोले, तो सबसे बलवान कौन सा सातम्य, व्याधि सातम्य, राइट। तो याद कर लो इसको, इसका कोड करने के लिए हमने इंग्लिश में इसकी इनिशियल ले ली है, आर फॉर ऋतु, ओ फॉर फॉर ओक, डी फॉर देश और वी फॉर वैदी, राइट। तो इसका कोड कर लेना, रो देवा है ना, रो देवा, रो दो, राइट, रो देवा कोड हो गया इसका। अब इसमें से ओ का साथ में मतलब, यदा औचित्य तो ओ का साथ में मुच्यते, रट लेना इसको, ठीक है, यदा औचित्य तो ओ का सात्म्यम उच्यते, यदा औचित्य मतलब जिसके अभ्यास से आपको साथ में हो जाएगा उसको आप ओ का साथ में, औचित्य बराबर है, जिसकी आपको आदत पड़ गई है उससे आपको साथ में हो जाएगा, यदा औचित्यात् ओक सात्म्यम् उच्यते। तो इतना विषय आज का था हमारा, ठीक है, एक बार हम ओवरलुक कर लेंगे पहले पेज से और आज रुकेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आहार विधि विशेषायतन देखेंगे, उसके बाद आहार विधि विधान देखेंगे, और रिलेटेड चैप्टर जो है द्वादश अशन विचार, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने वर्णन देखा, वर्णन में हमने सबसे पहले देखा कि विमानस्थान की डेफिनेशन क्या है, तो भेषज आदि दोष भेषज आदि विशेषेण ज्ञापकम्, ये पढ़ा हमने। उसके बाद विमानस्थान का प्रयोजन क्या है, दोषादि मान ज्ञानार्थम, वो पढ़ा। अब हमने बाद में पढ़ा कि रस द्रव्य दोष और विकार, इनका प्रभाव प्रभाव यहाँ पर वर्णन है। बाद में आहार विधि विशेषायतन कितने हैं, आठ है।
आहार विधि विधान कितने हैं, आहार विधि विधान या फिर भोजन विधि कितने हैं, तो वो है 12। ये पढ़ा, वो पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट, हमने ये पढ़ा कि षडरस अगर सम्यक मात्रा में होंगे तो क्या करेंगे, क्या फायदा करेंगे, षडरस सम्यक मात्रा में शरीर का यापन करेंगे, ठीक है, और अगर विकृत रहेंगे तो वो दोष उत्पन्न करेंगे। फिर त्रिदोष सम्यक मात्रा में जब प्रकृति भूत रहेंगे तो शरीर पर उपकार करते हैं, और विकृति भूत होते हैं तो त्रिदोष क्या करते हैं, उपताप करते हैं या फिर व्याधि उत्पन्न करते, विकार उत्पन्न करते, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने रसों के दोषों पर परिणाम पढ़े थे, वो आपको सभी को पता रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था तीन द्रव्य पढ़े थे, है ना, द्रव्य, तो द्रव्यों का प्रभाव हमने पढ़ा, तो तैल, उसके बाद घृत, उसके बाद मधु, तो इनके तीन कोड हमने पढ़ लिए, तो मैं वो रिवाइज कर देता हूँ। क्या ऊ गी सी ते, उष्ण गुरु और स्निग्ध, इससे वात का शमन करेगा तेल। बाद में घू म श्याम घृत मंद शीत और मधुर रस से क्या करेगा, पित्त का शमन। और म रू कीति, रुक्ष तीक्ष्ण और कषाय रस से मधु क्या करेगा, कफ का शमन करेगा। उसके बाद हमने ना अति सेवनीय से तीन द्रव्य पढ़े, कौन से, पिप्पली लवण क्षार, राइट। और उसके बाद हमने देखा सातम्य, तो सातम्य तीन प्रकार के होते, त्रिविद सप्तविद या फिर चतुर्विद, ऐसे तीन भाग तीन घटकों से देखे। तो दिस इज फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर हम आयुर्वेदी विशेषायतन से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।